इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आ गया है और अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब ये देश का सबसे बड़ा स्कैम भ्रष्टाचार बन गया है? नहीं, सवाल नहीं उठ रहा, ये श्योर हो गया जी। देखो SBI से रिपोर्ट मांगी थी, लोग कहते हैं ना काम बोलता है। हाँ। तो काम तो बोलता है, लेकिन काम किसका बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट का, DY चंद्रचूड़ साहब का काम बोल रहा है कि काम होता क्या है और काम कराने पे आ जाए अदालतें तो कैसे काम होते है? कि 3 महीने का टाइम मांगा था SBI ने और वो 3 महीने का डेटा एक दिन में आ गया SBI का, तो काम तो बोलता है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सब कुछ कर सकता है, शुक्रिया उनका कि देश में भ्रष्टाचार की परतें खोलने के लिए। तो भाई करप्शन तो है और उस देश का सच में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां लोग लाखों करोड़ों रुपए पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देते हैं जी। ये चंदा देश, ये चंदे की रकम है, कई हजार करोड़ है जी। अगर इतना भी देश के विकास के लिए खर्च हो जाए तो शायद बहुत कुछ हो सकता है। आखिर जरूरत क्या है इन पार्टियों को इतने करोड़ों के चंदे की? लाखों करोड़ रुपए का चंदा चाहिए इन्हें जी, हजारों करोड़ रुपए का चंदा। इन पार्टियों के नाम से कोई हॉस्पिटल तो है नहीं भाई? भारतीय जनता पार्टी का कोई चैरिटी हॉस्पिटल है, कोई मंदिर है, एक कोई स्कूल है, चलाती है क्या कोई पार्टियां? तो इनको चंदा चाहिए क्यों? सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए? और इतने का चंदा, और चंदे में ऐसी ऐसी डिटेल खुल के आ रही है कि एक जिस पर ED का छापा पड़ा, उसके बाद क्या हुआ, ED का छापा पड़ने के बाद उसके अकाउंट सीज हुए, फिर उस सीज अकाउंट से इलेक्ट्रोनल बॉन्ड खरीदे गए और भाजपा को चंदा मिला जी। एक बताओ ऐसा होगा? और कांग्रेस को मिले या भाजपा को मिले, अगर करप्शन हो रहा है तो वो दुर्भाग्य है देश के लिए। ये चंदे की रकम क्यों दी जाती है पॉलिटिकल पार्टी को, क्यों लीगलाइज किया जा रहा है इसको चोर दरवाजे से, और क्यों इसका हिसाब नहीं देना चाहिए जी, और क्यों SBI बार बार पीछा छुड़ा रहा था? इस पर तो सवाल होना चाहिए ठीक है, और सरकारें बैकफुट पे होनी चाहिए, सरकारों से सवाल जरूर होना चाहिए और इसका इम्पैक्ट भी पड़ना चाहिए। देखने की बात यह कि जैसे ही खुलासा हुआ उसके तुरंत बाद चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया जी, इसमें भी षड्यंत्र है। हाँ। और चुनावी तारीखों का ऐलान अलग बात है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष का गठन कौन कर रहा है, तो सब कुछ सिस्टम जो है मैनेज हो चला है। सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने की, लेकिन मोदी जी ने इतना डैमेज कर दिया है कि वो बचाते बचाते भी ध्वस्त हो रहा है। अच्छा जी, ये भी बोला जा रहा है कि अभी तक डेटा पूरा सामने आया नहीं है, तो क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, कुछ नाम है कुछ कंपनी? यही तो दुर्भाग्य है कि डेटा सामने क्यों नहीं आया, क्या ये इतनी बड़ी बात है कि डेटा सामने क्यों नहीं हो सकता? क्या देश के पास इतने सिस्टम है? जब देश में इतने संसाधन है, व्यवस्था है ठीक है, बैंक इतना बड़ा है, इसके बाद इतने कर्मचारी है, तो डेटा सबका सामने क्यों नहीं है? और अगर गलत नहीं है तो डेटा सामने करने में ऐतराज क्या है भाई? करप्शन इतने बड़े पैमाने पे होगा और उसका डेटा भी नहीं आएगा सामने? PM केयर फंड का पूछते हैं, नहीं पता जी ठीक है, बॉन्ड का पूछ रहे हैं, इसका नहीं पता, तो कहाँ जा रहा है ये पैसा? कब होगा देश का काम और देश के लिए, देश को पारदर्शिता कब मिलेगी हर चीज में? कांग्रेस के टाइम पे हम रोते रहे कि भाई इतना भ्रष्टाचार हुआ, उतना भ्रष्टाचार हुआ ठीक, और कांग्रेस की सरकार गई, सत्ता बदली, लेकिन सत्ता बदलने के पश्चात भी सेम स्थिति परिस्थिति है। बस क्या है कि लीगलाइज कर दिया चीजों को, ये दरअसल चंदा नहीं है, ये घूस है, ब्राइट्स है, चंदे के बदले धंधा जिसे कहते हैं वो है, और जो साफ भी हो रहा है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके थ्रू साफ हो रहा है ठीक है, चंदे के बदले धंधा। तो घूस देने का तरीका बदल गया है कि आप रिश्वत भी देंगे और हम उसको लीगलाइज्ड भी दिखाएंगे। पहले की सरकारें भी करती आई होंगी ये, लेकिन कम से कम उनमें डर रहा होगा कि इसका पोल खुलेगा, लेकिन ये सरकार डंके की चोट पर करती है काम, मतलब चोरी और सीना चोरी वो दोनों भाजपा में। अच्छा ये भी बोला जा रहा है कि कम से कम लिस्ट में 14 कंपनी ऐसी है जिसपे ED CBI के छापे पड़े थे और उनसे ही क्यों चंदा वसूला जा रहा है? ये चंदा बताया ना, ये रिश्वत है ठीक है, ये दबाव बना के लिया गया चंदा है, क्योंकि अगर चंदा पहले मिला हो और बाद में छापा पड़ा हो तो हम कहते हैं देश में एक सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन पहले छापा पड़ा और फिर चंदा मिला है ठीक है, तो ये चंदा पुलिस वाला पहले गाड़ी पकड़ता है, फिर उसके बाद बताता है तुम पे 1000 रुपए का हेलमेट का जुर्माना है, हम पीछे से 500 पकड़ाते हैं चले आते हैं ठीक, मतलब देश में सिस्टम बना दिया है, करप्शन को सिस्टम का रूप देने का काम किया है मोदी जी ने कि तुम हम भ्रष्टाचार भी करेंगे और उसको देश हित में, पार्टी हित में और जनता के हित में बताएंगे भी। अच्छा ये भी बोला जा रहा है कि जिनसे चंदा लिया गया उनको ही फिर ठेका दे दिया गया, उनको प्रोजेक्ट का काम दिया जा रहा है, तो क्या चंदा लेके फिर प्रोजेक्ट का काम देने का काम नहीं? अभी देखो परतें खुली है तो जाहिर सी बात है करप्शन तो हुआ है, लेकिन करप्शन से क्या क्या हुआ जरूरी नहीं है कि धंधा ही मिला हो सकता है कि बहुत बड़े करप्शन को पनाह मिली हो,
किसी पार्टी ने किसी कंपनी ने बहुत बड़ी अनियमितता करी हो सकता है उनने लाखों करोड़ का घोटाला किया हो और कई सौ करोड़ के चंदे के बदले में उसको माफ कर दिया गया हो। जरूरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ धंधे के लिए किया गया हो, ठीक है, हो सकता है कि किसी पे मर्डर चार्जेस हो उसके चक्कर में चंदा आ गया हो बॉन्ड से, ठीक है, किसी पे कोई और क्राइम का चार्जेस हो, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, चंदे में छोड़ गया हो। एक बंदा था नीरव मोदी, देश का हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गया, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के जनरल अटॉर्नी जनरल है हरीश साल्वे, उनकी शादी में, ठीक है, उनकी शादी की पार्टी में वो बंदा दिखता है, ठीक है, मतलब भाजपा से कनेक्टेड एक व्यक्ति, वीआईपी व्यक्ति जिसको भारत में इतना बड़ा दर्जा हासिल है, उसकी पार्टी में भारत का एक भगोड़ा शामिल होता है और भारतीय जनता पार्टी उसका कोई जवाब भी नहीं देती, मोदी जी कोई कार्रवाई भी नहीं करते, विदेश में रूस और यूक्रेन की, ठीक है, युद्ध रुकवा के मोदी जी छात्रों को ला सकते हैं, ठीक है, अफ्रीका के राष्ट्रपति से, ठीक है, अपने पैर छुआ सकते हैं, ठीक है, लेकिन नीरव मोदी विजय माल्या को इंडिया नहीं ला पा रहे, ये भी तो है ना भाई, मोदी जी जो है करप्शन की जड़ में है भाजपा भारतीय जनता पार्टी, तो ये अब ये कि सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंस हुई है, परतें खुलेंगी, लेकिन बीच में चुनाव है भाई, परते तो खुल जाएंगे, चलो मान लिया करप्शन की परते भी खुलेगी जी, लेकिन जनता की आंख से परते कब खुलेंगी, जनता की आंख कब खुलेगी इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि देश दो तरह के लोगों से चल रहा है, एक वो जिसे समझ में नहीं आता, ठीक, वो भी भाजपा को वोट देता है, और एक दूसरा वो जो समझना नहीं चाहता वो भी भाजपा को वोट दे रहा है, ठीक है, और जिसे समझ में आ रहा है, ठीक है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है मगर जनता समझना चाह ही नहीं रही, तो देश में समझ में नहीं आता वाले लोग कम है, समझना नहीं चाहने वाले लोग ज्यादा हैं, और उसी को अंधभक्ति कहते हैं, और कुछ नहीं बचा देश में जी। अच्छा ये भी समझदार यही है, है, है। देश में सबसे समझदार यही सबसे बड़ा, अच्छा ये बोला जा रहा है कि सबसे पहला जिस कंपनी का नाम आया फ्यूचर गेमिंग का, बोला जा रहा है उनका टर्नओवर ही सिर्फ 500 करोड़ का है, तो फिर वो 1300 करोड़ किस तरीके से, मालिक है ना उसके, जो मालिक है मार्टिन नाम का कोई आदमी है, इसके ऊपर पहले भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा आरोप था, ठीक है, तो इसके ऊपर पहले ईडी की रेड पड़ी, ठीक है, तो ईडी की रेड से बचने के लिए इन्होंने फिर भाजपा का दरवाजा खटखटाया भैया, ठीक है, फिर भाजपा वालों ने इनको बोला कि अच्छा भैया तुम मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ, इनकी जो वाइफ है वो बीजेपी के जो मोदी जी के साथ उनका फोटो भी लिख हुआ है, ठीक है, उसके बाद वो है जो कि इनका लड़का जो था मार्टिन का लड़का था वो भी बीजेपी में शामिल हो गया, ठीक है, और जितना भी इन्होंने मतलब मांगा बीजेपी वालों ने सारा चंदा बनाया, उनको लगभग 1300 करोड़ का चंदा उनको दिया गया है बीजेपी वालों को, मतलब मार्टिन की तरफ से, इसलिए क्योंकि ऊपर छापा ना पड़े भैया, वो एकदम पाक साफ सुथरे हो जाए, वॉशिंग मशीन में धो के एकदम साफ हो जाए, इसीलिए उनको मतलब अपने पार्टी में शामिल कर लिया, प्रेशराइज पहले किया कि भैया तुमको चंदा देना है, अगर नहीं दोगे तो ऐसे करेंगे तुम्हारे ऊपर, इस तरह से भी उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया, फिर वो पार्टी में शामिल होकर उनका हो गया भैया अब तो साफ हो गया, अब तो कोई कैस नहीं चलेगा, बीजेपी में आ गए वो खत्म। अच्छा क्या लग रहा है फ्यूचर गेमिंग एक शेल कंपनी की तरह काम कर रही है कि क्या अब अंबानी अडानी जिनका नाम नहीं आया लिस्ट में, अभी देखो लिस्ट में जो सीरियल नंबर है वो अभी नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि भाई उनका सीरियल नंबर जो है जिनको जिनको बॉन्ड दिया गया है उनका नाम जारी करो, ये SBI जो है उसको नहीं अभी मतलब उसको जारी करना ही नहीं चाह रही है, पहले तो इन्होंने 30 जून तक का टाइम लिया, ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया हमको 15 मार्च तक हमको चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके दो, तो फिर इन्होंने कैसे करके 15 मार्च तक मैनेज करके ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से 15 मार्च तक उसको जो करके उनको दिखा दिया, मेन जो उसमें कारण है उसमें जो नहीं दिखाने का है उसमें यही है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम छुपाना है उनमें से, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं जो इंडस्ट्रियल हैं उनका नाम उसमें से छुपाना है, उनको शामिल इनको मतलब सामने नहीं लाना है, जब तक चुनाव होगा तब तक उनको शामिल उनको सामने लाना ही नहीं है, ठीक है, जो सीरियल नंबर जो होता है हम लोग बैंक में जाते हैं अपना अगर आधार कार्ड दिखा देंगे ना तो मेरा पूरा ब्यौरा मेरे माता पिता तक का नाम उसमें शामिल मतलब सामने आया था, तो भैया ये बैंक कैसे काम कर रही है कि इनका कोई ब्यौरा नहीं है कोई मतलब कोई लिस्ट नहीं है कोई नाम नहीं दिखा पा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है SBI बैंकों का बैंक ही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके पास लिस्ट ना जा रही हो इनके पास नाम ना मालूम हो, अगर हमने भाई साहब को कुछ दिया हुआ होगा इनका नाम तो मेरे पास लिखा होगा भैया इनको हमने दिया है या इनको कुछ दिया तो हमारे पास कुछ लिखा होगा, SBI के लिए मेरे पास अभी इनका नाम ही नहीं है, क्यों नाम नहीं है भाई कहाँ गया नाम, सुप्रीम कोर्ट पूछे भैया नाम कहाँ गया हमको दिखाओ हमको उसका लिस्ट दिखाओ ना, तो सीरियल नंबर जो आता है वो हमको दिखाओ क्यों नहीं हमको दिखा रहे हो, इसके सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि भैया 18 तारीख तक हमको उसका नाम चाहिए जो उसका सीरियल नंबर आता है उसका हमको चाहिए, ये जो है ना ये जो भी चल रहा है ना ये सब सिर्फ बीजेपी को मजबूत करने जितना मतलब इतना भ्रष्टाचार बीजेपी में हुआ है ना और किसी पार्टी में नहीं हुआ है, ठीक है, इन लोगों पहले जो काम होता था लेन देन वाला वो कच्चे से होता था कैश का, ठीक है, इन्होंने उसको मतलब जिससे कि और आगे बढ़ा करके इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर उसको करके उसको कच्चे मतलब पक्का करके उसको घूस ले रहे हैं, ले रहे हैं ये भी घूस ले रहे पूरा घूस ये मगर वो उसको पक्के से संवैधानिक तौर पर उसको ले रहे हैं कि भैया देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं हमको तो चंदा दिया जा रहा है उसका नाम चंदा का,
ये सब चंदे का धंधा है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये SBI जो है ये भी उनसे मिली हुई है, ये चाहती है कि कोई नाम सामने अभी ना आए, इसीलिए उन्होंने ना टाइम दिया वहाँ तक का 30 जून तक का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया हमको नाम पहले चाहिए, इलेक्शन के बाद भी क्या मतलब होगा, इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, नया प्रधानमंत्री बन जाएगा, उसके बाद देने से क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं उस बात देने से। अभी हमको चाहिए पूरा नाम, जितना भी जो भी लिस्ट में जितना भी नाम है हमको नाम अभी चाहिए, ये 18 मार्च के पहले पहले। अच्छा, तो क्या लगता है SBI किसी सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनसे सुप्रीम कोर्ट यूनिक कोड मांग रही है, तो अभी तक उन्होंने दिया नहीं। देखो ये सब बहुत अंदर की बात है, हम इसके लिए बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये जो BJP है ना, इसके पास इतना ज्यादा पावर है, जितनी भी अच्छी पार्टियों पर देखो इस समय ED रेड करा रही है, कोई पार्टी मजबूत। अब यहाँ पे दिल्ली में देखिए केजरीवाल के ऊपर कितना केस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, दिल्ली के, उनके ऊपर जो शराब घोटाले का केस करके उनके ऊपर उनको अंदर करवा दिया। केजरीवाल के ऊपर 7-8 संपन्न अभी तक आ चुके हैं, केजरीवाल को अभी तक हरा नहीं पाए हैं, सामने से अभी तक उनको हरा नहीं पाए हैं। जितने भी चुनाव हुए हैं 3-4 बार, अभी तक केजरीवाल को हरा नहीं पाए हैं। तो उनको हराने के लिए, उनको दबाने के लिए उनको इतनी रेट करवा रहे हैं भैया, मतलब गलत आरोप लगाकर बस उनको अंदर कराना है। मेरे सामने मेरे पक्ष में कोई ना हो, बस हम अकेले काम करें, अकेले राज करेंगे, इसी के बिहार पर बस हम खाली खाली पूरा काम कर रहे हैं मोदी जी, पूरा का पूरा उनका यही सिस्टम ही है भैया कि मेरे पक्ष में कोई ना हो, हम अकेले राज करेंगे। शाह जी ने कहा था पहले ही 50 साल हमको शासन करना है यहाँ पे, उनको शासन करना है यहाँ पे, जनता को ख्याल नहीं रखना है उनको, उनको यहाँ पे शासन करना है 50 साल तक। तो ये उसी के राह पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं अपना। विपक्ष को रहना ही नहीं है, हिंदुस्तानी विपक्ष को रहना नहीं है, विपक्ष को दबा देना है इनको, बस उसी पर काम कर रहे हैं।